हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं ये मॉक टेस्ट साइंस का है जिसमें बायो के फिफ्टी एम हैं इससे पहले भी बहुत सारे मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं हर सब्जेक्ट वाइज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको देख लेना और सॉल्व करके अपने स्कोर्स कमेंट कर देना और अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो आपको पता है कि ये मॉक टेस्ट कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी आपको रीड करके दूंगी आपको पॉज करना है ट्राई करना है और देन अपने स्कोर लिखना है अगर करेक्ट हो रहा है तो हर क्वेश्चन पे एक मार्क्स देना है खुद को अगर रॉन्ग हो रहा है तो वहाँ से मार्क्स डिड्यूस करना है और लास्ट में आपका फिफ्टी आउट ऑफ कितना स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता देना ओके तो स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन आती है एम एन से रिलेटेड तो वो आपको मिल जाती है इंस्टाग्राम पे हमारा ये यूजर नेम है एंड टेलीग्राम पे ये है टेलीग्राम पे आपको बाकी सब वीडियोज़ की जो पी है वो भी मिल जाएंगी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वीन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉल्ड जो वीन्स हैं वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको क्या बोलते हैं प्लूमिनरी ऑल कैपेलरी अरोटा या नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो भी लग रहा है वो अपनी नोटबुक में लिखिए जब मैं बताऊँगी तो देखना कि उससे मैच कर रहा है या नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए या फर्स्ट प्लूमिनरी नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड मैंने क्वेश्चन नंबरिंग नहीं की है आप कहते चलना साथ में ही अ पर्सन विद अ स्टोन इन द किडनी इज़ एडवाइज टू अवॉइड कोई पर्सन है जिसको किडनी में स्टोन हो रखा है उसको इसमें से क्या खाना अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा लेमन विनेगर टमाटो या लेंटल्स लेंटल क्या होते हैं दाल को बोला जाता है ठीक है पल्सेज वो सब उनको लेंटल्स बोलते हैं तो इसमें से क्या खाना अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा उनको आपको जो लग रहा है आप लिख के रखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी या थर्ड टमाटो उनको टमाटो खाने के लिए मना किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड द स्मॉल ऑर्गेनील्स इन अ सेल इज स्मॉलेस्ट तो सेल में एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील क्या होता है राइबोसोम पेरीऑक्सीजोम लाइसोजोम द लास्ट ऑप्शन इज इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है वो आप लिख के रखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम। ये होता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक इन अ सेल क्वेश्चन नंबर फोर रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू सेल वॉल की रिजिडिटी किस चीज के वजह से होती है काइटिन लेगिन pectin, सबरिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिगिन क्वेश्चन नंबर फाइव एंटामोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ये जो एंटामोलॉजी है ये किस चीज की स्टडी से डील करती है मिनरल्स फॉजल्स इंसेक्ट या बर्ड आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है या आपको पता है कि ये करेक्ट है तो वो आप लिख के रखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटामोलॉजी बोलते हैं बर्ड की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं है. और मिनरल्स की स्टडी को मिनरोलॉजी बोलते हैं और फॉजल्स की स्टडी को बोलते हैं पेलियनटोलॉजी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है by, जीन वॉज़ फर्स्ट आइसोलेटेड बाय जो जीन्स थे उन्होंने फर्स्ट uh, किसने आइसोलेट किया था विलियम जॉनसन फेडरिक मिशर हरगोविंद खुराना एस चंद्र चंद्रशेखर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेडरिक मिशर इन्होंने फर्स्ट आइसोलेट किया था फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग व फॉर्म्ड फर्स्ट इनमें से कौन सा पहले सबसे पहले फॉर्म्ड हुआ था जीन्स कोएसवेट्स सेल ईब्स तो इनमें से कौन सा सबसे पहले फॉर्म हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोसविट्स ये क्या होता है एक टाइप का एक्वा स्पेस होता है ठीक है माइक्रोमोलिक्यूल्स का या न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का नेक्स्ट है क्वेश्चन एट द फर्स्ट ऑर्गेन टू बी ट्रांसप्लांटेड वर्स सबसे पहले कौन सा ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किया गया था किडनी लंग्स हर्ट या लिवर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किडनी किडनी जो था सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया था और ये कब हुआ था नाइनटीन फिफ्टी फोर इतने पहले हुआ था ये ठीक है उसके बाद हुआ था हर्ट फिर पैनक्रियाज फिर धीरे धीरे लंग्स ऐसे करके चीज़ ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट हो गई अभी तो हमारे अगर बोन्स भी टूट जाते हैं तो हम फेक बोन बना के सब कुछ कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स आर नॉर्मली एबसेंट इन हॉर्मोन्स जो होते हैं इनमें से किसमें एबसेंट होते हैं रैट बैक्टीरिया कैट या मोंकी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है लिवर सेल किडनी सेल नर्व सेल्स या मसल सेल्स तो पॉज करके ट्राई करो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नर्व सेल्स ओके नर्व सेल्स जो है लार्जेस्ट होते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एलेवन द ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड इन जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं वो ब्लड में किस चीज़ का प्रेशर होता है आर्टरीज, वेन्स या वेंट्रिकल्स तो जो करेक्ट लग रहा है उसको लिखो कॉपी में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टरीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ़ ह्यूमन ब्लड इज ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है नाइन्टी डिग्री फेरन हाइट नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्री फेरेन हाइट नाइन्टी एट डिग्री फेरन या नाइन्टी सिक्स डिग्री फेरन दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन ओके हम फीवर होता है तो हम हमेशा बुखार वगैरह नापते हैं तो देखा है जब हम हमारा बोलते हैं हंड्रेड डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब बुखार नापते है. मानते हैं कि बुखार हुआ है तो ये नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्री फेरन है ये उसी को बता रहा है ये हमारा नॉर्मल होता है और इससे जब थोड़ा सा इनक्रीज होता है तब हम बोलते हैं कि फीवर हो गया है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो यूरिन होती है वो येलो कलर की होती है ये क्यों येलो होती है क्या प्रेजेंट होता है उसमें ऑप्शन है बाइल लिम्फ यूरोक्रोम या कोलेस्ट्रॉल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरोक्रोम यूरोक्रोम नाम का केमिकल कंपाउंड होता है जिसको यूरोब्लिन भी बोल सकते हैं ठीक है वो प्रेजेंस होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्यूबरक्लोसिस क्लासिसकर्स बाई बाय ट्यूबरक्लोसिस किस से होता है वायरस से वोम से बैक्टीरिया से या फंगी से लिख लिया आपने तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस क्लॉसिस एक बैक्टीरिया से होता है और ये ज़्यादातर लंग्स को इफेक्ट करता है ठीक है टीबी बोलते हैं ना जिसको टीबी अगला है क्वेश्चन फिफ्टीन लॉन्गेस्ट द वर्ल्ड आर रिलेटेड विद विच ग्रुप कौन से ग्रुप में लॉन्गेस्ट प्लान हो होते हैं जिम्नोस्पर्म डाइकॉटलिडेंस एनजियोस्पर्म या टेरेडोफाइट्स आपने लिख लिया इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रही हूँ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म और जो लॉन्गेस्ट प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है कुछ सुकोया सब संपवेरण करके ठीक है आप एक बार चेक करना आपको इमेज भी वहाँ पे मिल जाएगी तो वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑल द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा वॉम ब्लडेड एनिमल है शार्क बैट स्नेक या लजर्ट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैट बैट जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है बाकी ये सब नहीं है ब्लड डज नॉट कोआगलेट इन साइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो हमारा खून है वो हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं जमता है ऐसा क्यों होता है किस चीज़ की वजह से होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी है इसके ऑप्शन है यापरिन प्लाज्मा हेमाग्लोबिन या फिब्रिन तो यहाँ पे पूछा है किसके वजह से नहीं होता है ठीक है तो ये किसके वजह से नहीं होता ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियाप्रिन इसकी वजह से नहीं होता जो हमारी बॉडी में होता है तो जो एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में वो एब्सेंट होते हैं ठीक है जैसे हमारा कट वगैरह लगता है तब क्लॉट होता है तो वो बॉडी में एक्टिव नहीं होता तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में को नहीं होता है ब्लड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटेड सेंटर फॉर स्वालिंग एंड वॉमिटिंग इन दोनों के लिए कौन सा पार्ट रेगुलेटेड है ह्यूमन ब्रेन में सेरिबेलम रॉन्स मेड्यूला ऑब्लंगाटा या सेरिब्रम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लंगाटा नॉट ओनली स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग दिस इज ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्रीदिंग हार्ट रेट ब्लड वेसल फंक्शन डाइजेशन स्नीजिंग बहुत सारे हमारी बॉडी का जो फंक्शन है ये करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंगस इनमें से कौन सा फंगस है हमें बताना है एगारिकस फिनेरिया राइजोबियम स्पायरोग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अगेरिकस ठीक है पैरासाइटिक फंगस है अगर मोर स्पेसिफिकली बोला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी The oxygen released during photosynthesis of green plants come from the breakdown of which one of the following? जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा वो किसके ब्रेकडाउन से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स या वाटर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाटर नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें दो स्टेटमेंट दी गई है वो पढ़ना है और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बीन्स आर रिचर सोर्स ऑफ प्रोटीन देन पोटैटो दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन सेकेंड स्टेटमेंट इज एप्पल आर रिचर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन बनाना अब बोला गया है इस स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू या नीदर वन नॉर टू तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है ओनली वन इज करेक्ट पटाटो में क्या होता है स्टार्च होता है पटाटो में प्रोटीन नहीं होता बीन्स में प्रोटीन होता है और वो रिचर सोर्स है उसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डिज़ीज साइफलस इसमें से कौन सा जो है साइफलस डिज़ीज कर्स करता है बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोन या वायरस तो कौन सा करता है इसमें से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री

डी पेरॉक्सीजोम्स ठीक है ये स्मॉल स्पेरिकल ऑर्गेनील्स होते हैं जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करते हैं और डी करते हैं सेल को उसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो रिमूव हो जाता है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है फिनेरिया ब्रायोफाइट क्लोरेला टेरेडोफाइट स्पायरोगेरा एल्गे साइकस जिम्नोस्पर्म तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरेला क्या है वो एक एल्गी है ना टेरिडोफाइट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पूछा था नॉट करेक्ट तो ये सही हो जाएगा बाकी सब करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आधा हो गया ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अभी दो स्टेटमेंट दिए हैं इन एल गे द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर सिंगल सेल्ड सेकेंड स्टेटमेंट है फोन प्लाट लैक ट्रू वेस्कुलर सिस्टम अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉर टू तो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली वन नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड प्लांट्स में इनमें से कौन सा टिश्यू डेड होता है पेरन कायमा कॉलन कायमा स्क्रलन कायमा या फोलिम तो कौन सा डेड होता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट स्क्लेरन कायमा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज अ सेल विद इन अ सेल इनमें से किसको कंसिडर किया जा सकता है एज अ सेल विद इन अ सेल ऑप्शन है राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ बी एंड सी तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी मतलब डी ठीक है माइट्रोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दोनों में ही डबल मेम्रीन होता है इनमें डीएनए होता है और इनका खुद का राइबोसोम होता है ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं इसको इसलिए सेल विद इन अ सेल बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है ट्वेंटी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर अ लिविंग सेल इसमें से कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ लिविंग सेल है इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन या नाइट्रोजन तो इसमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको वो मार्क करो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ कार्बन वाई कार्बन बिकॉज कार्बन एक बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल है ठीक है इसी से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड या न्यूक्लिक एसिड जो भी है जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो कार्बन से बनना ही पॉसिबल है ठीक है जो बाकी तीन है ये भी ऑर्गेनिक एलिमेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनमें से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट विदाउट सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यू इनमें से कौन सा प्लांट है जो स्पोर्स एंड एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है लेकिन बिना किसी सीड या वेस्कुलर टिश्यू के जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट या एंजियोस्पर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या है ये ग्रुप ऑफ नॉन सीड फॉर्मिंग प्लांट्स हैं ठीक है इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ होता है लेकिन वो किसके लिए होता है मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करने के लिए सीड को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्रिंजल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन पम्प किन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन दिस ये दो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं ये बताना है ओनली वन टू ओनली बोथ वन एंड टू नी वन नॉर टू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट मन एंड टू आर करेक्ट वाई बिकॉज ब्रिंजल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड पम्पकिन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए ठीक है पंपकिन में विटामिन ए मिला जाता है और ये असेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट एंड अगेंस्ट इन्फेक्शन हमारी आंखों का जो होता है रोशनी बढ़ाने के लिए उसके लिए ऐसे जैसे कैरेट हो गया पंपकिन हो गया ये सब सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए ठीक है तो बोथ वन एंड टू इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लिविंग सेल वट इज द साइट ऑफ राइबोजो फॉर्मेशन लिविंग सेल में राइबोजोम फॉर्मेशन का साइट क्या होता है गॉल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस तो ये कहाँ बनते हैं राइबोसोम्स ये बनते हैं ई ER आर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हु आर द फर्स्ट टाइम सो बैक्टीरिया थ्रू माइक्रोस्कोप मेड बाई हेम कौन था जिसने सबसे पहली बार बैक्टीरिया देखा था और वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से ही बनाया था ऑप्शन है एंटोन वॉन ल्यूक वेन हॉय लुई पैस्चर रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट वर्क तो इसमें से कौन सा है ये सबको आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लुइस पास्चर ठीक है इन्होंने खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया था और बैक्टीरिया सबसे पहले देखा था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा एंजाइम है जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है डिक्टोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकिया लाइसोसोमिया या माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इसलिए उनको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्टी फोर हु ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंटेड द कॉटन जिन दैट सेपरेट द सीड फ्रॉम द कॉटन थ्री हंड्रेड टाइम फास्टर देन द हैंड किसने कॉटन जिन इन्वेंट किया था जिसकी वजह से कॉटन के जो सीड्स थे सेपरेट हो जाते थे कितने टाइम फास्टर थ्री हंड्रेड टाइम फास्टर जब हाथ से करो तो उसके कंपेयर में ठीक है एली विटनी जॉर्ज स्टेफनसन मैक एडम या जेम्स वॉट तो इसमें से कौन था तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलाई विटनी इन्होंने किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फोन प्लांट वेस्कुलर सिस्टम इज एबसेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर मल्टी सेलुलर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नीदर वन एंड टू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू ओनली जो सेकेंड आया स्टेटमेंट वही करेक्ट है ठीक है फर्स्ट वाला रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कर्ज बाय बैक्टीरिया इनमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से कर्ज होता है चिकन पॉक्स पोलियोमैथिलटिस इन्फ्लुएंजा या ट्यूबर क्लासिस तो जो आपको करेक्ट लग रहा है वो लिखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबर क्लासेस जो है ये बैक्टीरिया से होता है बाकी चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होता है ये पोलियो है ये भी वायरस से होता है और अगर ये किस वायरस से होता है देखें तो उसका नाम है वेरी सेला जोस्टर वायरस ठीक है वेरी सेला जोस्टर वायरस नाम है उस वायरस से चिकन पॉक्स होता है और जो पोलियो है ये पोलियो वायरस से होता है ठीक है अगला है क्वेश्चन थर्टी सेवन द नेचुरल डाय प्रजेंट इन टर्मरिक इज नोन एज टर्मेरिक में जो नेचुरल डाई होता है उसको क्या बोलते हैं चिनामेन ऑप्शन बी फिनॉप्तलिन ऑप्शन सी मिथाइलिन ऑरेंज या ऑप्शन डी करक्यूमेन तो टर्मेरिक में इसमें से क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर आता है जैसे हल्दी को छूने से हाथ वगैरह येलो हो जाते हैं सब्जी का कलर चेंज हो जाता है तो ये किसके वजह से होता है तो इसमें प्रेजेंट होता है करक्यूमिन ठीक है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिड्स ऑफ सेल इज आर इन्वॉल्व इन फोटोसेंथिस इनमें से कौन सा फोटोसेंथिस में इन्वॉल्व है ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट माइक्रोकॉन्ड्रिया एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन लेक ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन स्पेलिंग करेक्शन होगी यूट्रोफिकेशन ओके जब यूट्रोफिकेशन होता है तो कौन सा प्रोसेस इसमें से टेक प्लेस करेगा रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्गे ग्रोथ एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लॉस ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रेंट्स फ्रॉम वाटर एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रेंट्स इन वाटर तो इसमें से क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर पानी में बहुत ही एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल या न्यूट्रेन हो जाते हैं और एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है इसके वजह से नीचे जो वाटर में एनिमल रह रहे होते हैं फिशेस या कोई भी वाटर एनिमल उनके पास ऑक्सीजन जा नहीं पाता है ठीक है नेक्स्ट एज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज हाइएस्ट इनमें से किस्मई जो रेडिएशन होगा रिफ्लेक्ट होकर हाइएस्ट आएगा वेट ग्राउंड थिक क्लाउड फॉरेस्ट या स्नो कवर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्नो कवर ठीक है स्नो से जो होगा रेडिएशन सबसे हाईएस्ट रिफ्लेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वुड बी प्रेफर्ड फ्रॉम सोइंग इन ऑर्डर टू एनरिच दॉइल विद इन नाइट्रोजन सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच कर रहे हैं तो कौन सा किस टाइप का क्रॉप उसमें हम सो करना प्रेफर करेंगे वीट मस्टर्ड सनफ्लावर या ग्राम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्राम क्रॉप्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लांट इज रेफर टू एज लिविंग फॉजिल इनमें से कौन से प्लांट को लिविंग फॉजिल बोला जाता है फ्रीडिया साइकस गो एडी एंटिनम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गेनको ठीक है गेनको जो है इसको लिविंग फॉसिल जैसा रेफर किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्टी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट ऑप्टेन फ्रॉम वाइल्ड कैबेज, ये कौन सा इसमें से है जो वाइल्ड कैबेज से ऑप्टेन नहीं किया जाता ऑप्शन ए लेटिसी, ऑप्शन बी ब्रोकली, ऑप्शन सी कैले ऑप्शन डी खोलाबरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेटीसी ये नहीं ऑप्टेन होता क्वेश्चन फोर्टी फाइव सॉफ्टनिंग ऑफ मच्योर राइप फ्रूट इज ड्यू टू जो फ्रूट्स पक जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं वो किस वजह से होता है ऑप्शन ए डिजॉल्ट ऑफ मिडिल लामिला ऑप्शन बी डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी वॉल ऑप्शन सी डिलिग्निगेशन ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ सर्बिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल तो ये क्यों होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमिला इसके वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं मैच्योर होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द एनर्जी रिलीज बाय वन ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एक ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी रिलीज होती है सिक्स किलो कैलोरीज फोर किलो कैलोरीज फाइव किलो कैलोरीज या थ्री किलो कैलोरीज तो आपको जो करेक्ट लग रहा है वो माफ करो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फोर किलो कैलोरीज नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्टी सेवन द फिन ऑफ समर स्लीपिंग बाय एनिमल इज कॉल्ड अब यहाँ पे समर स्लीपिंग बोला है ये ध्यान रखना है विंटर स्लीपिंग को क्या बोलते हैं और समर स्लीपिंग को क्या बोलते हैं समर स्लीपिंग तो पूछा आपसे मैं बता रही हूं आप विंटर स्लीपिंग को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना ओके ऑप्शन ए है हाइबनेशन ऑप्शन बी है एस्टिवेशन ऑप्शन सी है लेजीनेस या ऑप्शन डी है लथार्जी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एस्टिवेशन समर स्लीपिंग को एस्टिवेशन बोलते हैं विंटर स्लीपिंग को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ओके नेक्स्ट फोर्टी एट द आउटर मेम्रेन ऑफ दैट कवर्स द ब्रेन इज क्या है जो ब्रेन का आउटर मेमब्रेन को कवर करता है माइलिन शीत ड्यूरा मैटर ऑप्शन सी एरैक्नाइट मैटर ऑप्शन डी पाइ मैटर तो क्या बोलते हैं उसको ऑप्शन बी इज करेक्ट ड्यूरा मैटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन द हॉर्मोन दैट हेल्प इन पाथेनोकारपी पाथनोकार्पी में जो हार्मोन हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं एप्सिक एसिड जिबर्िन इथाइलिन या साइटोकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जिबर्िन जिबिन जो है वो पाथनोक में हेल्प करता है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉप है फिश एल्गी बटरफ्लाई या मशरूम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलगी एलगी ऑटोट्रॉफ है बाकी सब नहीं है ठीक है तो ये थे फिफ्टी क्वेश्चन आई होप आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा और आपके जितने भी स्कोर आए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा वो भी प्लीज़ बताना तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई आपकी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो को शेयर कर देना हर बच्चों के साथ जितने भी एम एन एस एसपेरेंट है एम एन एस क्लिप प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के साथ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना Thanks for watching guys. See you all in the next video.